आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज। पटना सिटी कार्यपालक दंडाधिकारी मंजू कुमारी एवं दीपक कुमार उत्पाद निरीक्षक पटना सिटी की देख रेख में अगमकुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में शराब का विनिष्टीकरण किया गया। सनोवा खान, ब्यूरो रिपोर्ट, पटना। पटना सिटी बाईपास थाना क्षेत्र से बीते 31 जनवरी को बरामद शराब की बड़ी खेप को अगमकुआ थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में विनिष्टीकरण किया गया। शराब विनिष्टीकरण पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के दिशा निर्देश पर जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त रूप कार्रवाई करते हुए की। इस दौरान पटना सिटी अनुमंडल कार्यालय में कार्यरत कार्यपालक दंडाधिकारी मंजू कुमारी भी मौजूद रही। मात्रा में शराब विनिष्टीकरण किया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर ये इस संबंध में मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी पहल है कि ये शराब विनिष्टीकरण से हमारे समाज में बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है, संदेश जा रहा है। नए वर्ग के लोग या युवा युवतियाँ जो भी हैं, उन लोग को बहुत अच्छा ये मैसेज जा रहा है कि नशाबंदी बहुत ख़राब चीज़ है। इससे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं और क्या अच्छा, मतलब एक मैसेज है। सब बात ये है कि ये जिलाधिकारी महोदय ने भी इसे बहुत ही गंभीरता से लिया था। 54,000 समथिंग लीटर था विदेशी शराब, 7,130 लीटर था देसी शराब, वो सबको भारी मात्रा में उपलब्ध किया था, जिसे जिलाधिकारी महोदय ने बहुत गंभीरता से लेते हुए इसे तुरंत विनिष्टीकरण करने का आदेश पारित किया था, जिसके आदेश के आलोक में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। बाईपास थाना के अंतर्गत ये सारी सूचनाएं मिली थी तो हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और रोलर और जेसीबी ये सब सारे ये से इसे विनष्ट किया जा रहा है। दो दिनों से शराब विनिष्टीकरण हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? 31/1/2021 को बाईपास थाना के पास में उत्पाद विभाग ने छापामारी की थी, जिसमें 54,000 लीटर विदेशी शराब लगभग और लगभग 7,000 लीटर देसी शराब बरामद की गई थी। जिला अधिकारी महोदय के आदेश के बाद हम लोगों ने उसका विनिष्टीकरण SDO सर के से परमिशन लेके यहाँ पे कराना स्टार्ट किया है। कल 2339 पेटी शराब का विनिष्टीकरण कराया गया और रात हो गई थी, तो हम लोगों ने विनिष्टीकरण रोक दिया। पुनः आज विनिष्टीकरण कर रहे हैं, जिसमें अभी तक 4 ट्रक शराब का विनिष्टीकरण किया जा चुका है और शराब अभी आ ही रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आज रात तक शाम 7:30 बजे तक शराब का विनिष्टीकरण संपन्न हो जाएगा। इनकेस अगर शराब बच जाती है तो बचे हुए शराब का कल विनिष्टीकरण 100% कर लगभग कीमत क्या थी पूरे शराब का? शराब के साथ साथ 7 गाड़ी भी पकड़ाई थी, तो हम लोग उस समय तकरीबन शराब और गाड़ी का मिला के 3.5-4 करोड़ रुपए का कीमत आंकते हैं। कितने लोग गिरफ्तार हुए थे उसमें? उस समय तक 9 लोग गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद कुछ गिरफ्तारी बढ़ी हुई है। उसके भी खोजबीन जारी है क्या? अभी भी हमारे उत्पाद विभाग ने केस किया, उसके बाद वो केस ट्रांसफ़र कर दिया गया बाईपास थाना को। बाईपास थाना इस पर छानबीन कर रही है। अभी बाईपास थाना की एक टीम आगरा गई हुई थी, जहां अभियुक्त का पता तो लगा है बट वो गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। उस पर कार्रवाई चल रही है और उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। मैं दीपक कुमार, एक्साइज इंस्पेक्टर सिटी।